इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 7वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान ने दिल्ली को 3 विकेट से हरा दिया। उसे जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 27 रन बनाने थे। क्रिस मॉरिस ने 18 गेंदों पर 36 रन ठोककर टीम को सीजन की पहली जीत दिलाई। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 19.4 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मॉरिस ने 19वें ओवर में रबाडा के बॉलों पर 2 छक्के मारे। इसके बाद आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन बनाने थे। उन्होंने टॉम करन की पहली गेंद पर सिंगल लिया, इसके बाद दूसरी और चौथी गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत दिला दी। वहीं दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा 51 रन बनाए। राजस्थान के लिए जयदेव ने सीजन का अपना पहला मैच खेलते हुए खतरनाक गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए।